I'm Dr. Sonal Kolte. I'm weight loss expert, qualified nutritionist and homeopath. आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीजें जो हमारे घर में होनी ही चाहिए, क्योंकि जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, हमारे हर बीमारी का इलाज हमारे किचन में ही हमको मिलता है. हमारे हर बीमारी का जड़ किचन में है और हमारी हर बीमारी का इलाज भी किचन में है. लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ किचन गार्डन के बारे में. हमारे घर में, हर एक के घर में पांच पेड़ या पौधे होना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहला पौधा तुलसी का. हर घर में, हर हिंदू घर में तुलसी का पौधा होता ही है, क्योंकि बरसों से ये चीज़ें हमको हमारे पूर्वजों ने बोल के रखी है कि हमें तुलसी का पौधा रखना ही है. उसको एक देवताओं के रूप में भी माना जाता है, या बहुत सारी उसके साथ स्टोरीज भी हैं. सो तुलसी का पौधा होना ही चाहिए. तुलसी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है हमको, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेता है और ऑक्सीजन. हर पेड़ ये चीज़ करता है, लेकिन तुलसी सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है. अभी तुलसी, आई एम होम्योपैथ, तो तुलसी से होम्योपैथी में एक किडनी स्टोन के लिए दवाई है. कफ कोराइजा में तुलसी यूज़ होती है, ये सबको पता है. सो अगर आप तुलसी का पानी रोज पीते हैं तो वो बहुत गुणकारी माना जाता है. पत्ते तुलसी के रोज उठा के आप, फ्रेश पत्ते अगर आप खाते हैं, दांत को मत लगने दीजिए, उसको सीधे मुंह में डालिए, या उसको चाय में आप उबाल लीजिए, या उसका काढ़ा बनता है पानी में उबाल लीजिए, थोड़ा सा और अदरक या ब्लैक पेपर वगैरह डाल के उसका काढ़ा बनाइए, तो सर्दी खांसी में बहुत गुणकारी ये काम में आता है. दूसरा जो पेड़ है वो है कड़ी पत्ता. करी लीव्स का पेड़ हर घर में होना चाहिए. एक वीडियो मैंने करी लीव्स का बनाया था, उसमें बहुत सारी उसकी विशेषताएं मैंने बताई थी. उसमें से ऑयल निकलता है. अगर वो ऑयल उसको बारीक करके, हम उसको ड्राई करके, अगर हम उसको ऑयल में मिक्स करके हेयर्स को लगाते तो हेयर अच्छे हो जाते हैं. विटामिन सी उसमें बहुत अच्छा मिलता है. हाई फाइबर है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट प्रॉपर प्रमाण में उसमें है. विटामिन सी उसमें अच्छा है. सो करी लीव्स का पेड़ हमारे घर में होना ही चाहिए. पेड़ नंबर दो, करी लीव्स. तीसरा नंबर का जो है वो है पुदीना. जैसे बहुत सारे रीजन इंडिया में हॉट है, जैसे राजस्थान है या महाराष्ट्र है या मध्य प्रदेश भी अभी समर में बहुत हॉट रहता है, तो समर सीजन में पुदीना एक ठंडक पहुंचाने का काम करता है. बहुत ज़्यादा आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी बहुत मात्रा में पुदीना में पाया जाता है. अगर पुदीना आप दही में उसका लस्सी बना रहे हो, या छाछ बना रहे हो, या पुदीना की चटनी अगर बना रहे हो, पुदीना राइस है, और ऐसे ही पुदीना तोड़ के अगर आप नींबू शरबत में डाल रहे हो, तो भी बहुत ठंडक वो पहुंचाता है और बहुत गुणकारी है. आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, फोलेट, इतनी सारी एंटीऑक्सीडेंट्स, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट आपको इसमें से मिलते हैं. अगर आपके डोर स्टेप में वो है, फ्रेशली ग्रोन पुदीना आपको मिल रहा है और उसकी पत्तियाँ, पाँच छः ही पत्तियाँ आप रोज़ ले रहे हो, तो आई थिंक एक्सेलेंट एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिल जाते हैं. हर बार एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में इतना बोला जाता है. एंटीऑक्सीडेंट्स अगर हम लेते हैं तो वो एंटी एजिंग का काम करते हैं, कैंसरस सेल्स से वो फाइट करते हैं, हमको एनर्जी देते हैं, स्टैमिना हमारा बना रहता है. सो एंटीऑक्सीडेंट हमको करी लीव से भी मिलते हैं, पुदीना से मिलते हैं. थर्ड के बाद फोर्थ जो होना चाहिए है वो ग्रास टी है. लेमन ग्रास ट्री, छोटे छोटे गौती चाय उसको बोलते हैं. गौती चाय आयुर्वेदा में इसको बहुत महत्व दिया गया है. ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, विटामिन सी इसमें बहुत अच्छा है. कफ कोराइजा में ये काम में आता है, फ्लेवरिंग एजेंट करके काम में आता है. एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें बहुत मात्रा में है. अगर आप इसका काढ़ा बना के पीते हैं तो ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा.
और पांचवा है शायद थोड़ा सा बड़ा ट्री है, जिसके घर में जगह है, थोड़ी सी भी जगह है तो ये होना ही चाहिए, मस्ट है। लेमन ट्री, नींबू का पौधा थोड़ा सा बड़ा होता है, कांटे बहुत रहते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा बड़ा पॉट अगर आप लेते हैं तो छोटे पॉट में भी आप इसको, छोटी जगह में भी इसको आप उगा सकते हैं। लेमन का ट्री होना ही चाहिए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हर पार्ट ऑफ लेमन ट्री इज़ वेरी यूज़फुल। लेमन के औषधि गुणों के बारे में तो बताना ही नहीं चाहिए, विटामिन सी बहुत फ्रेश मात्रा में पूरा साल भर लेमन हमको प्रोवाइड करता है, सो हर रोज़ हमको विटामिन सी चाहिए। विटामिन सी, विटामिन सी में इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा, इम्यून सिस्टम हमारी स्ट्रॉन्ग करता है, हीलर करके ये काम में आता है, हीलिंग प्रॉपर्टी इसमें बहुत ज़्यादा है। सो एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में अभी मैं क्या बोलूँ, सो लिम्फोसाइट्स हमारा विटामिन सी बढ़ाता है, तो विटामिन सी आई थिंक अगर फ्रेश सोर्स हमें चाहिए तो लेमन के सिवा हमें वो नहीं मिल सकता है। सो ये पांच ट्रीज हमारे घर में होने चाहिए। तो एक बार मैं समराइज कर देती हूँ, तुलसी का पेड़, उसके बाद करी लीव्स, करी पत्ते का पौधा, पुदीना का पौधा, ग्रास, लेमन ग्रास ट्री और लेमन ट्री यानी नींबू का पेड़, ये पांच पेड़ हमारे आंगन में या हमारी बालकनी में होने ही चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए या लाइक कीजिए। थैंक यू।